आज हम नाश्ते के लिए उपमा बना लिए। उपमा नाश्ते के लिए बना रही थी तो मैं आपको दिखाना भी वीडियो भी करी इसका। देखिए खुला खुला अच्छा नाश्ता बना है। चलिए अब हम शुरू से बना लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। आज मैं उपमा बना ले रहा हूँ। उसके लिए रवे को भून ली, एक टमाटर ली, एक प्याज, दो हरी मिर्च, थोड़े से कड़ी पत्ता, माश की दाल, कोथिमीर। रवे को भून लेना, कच्चा नहीं लेना, और अधकचरा नहीं भून लेना, अच्छा थोड़ा ब्राउन कलर का होने तक भून लेना इसको। अब इसको बघार लेंगे। पहले हम माश की दाल को थोड़ा तल लेंगे। बिस्मिल्लाह करना। उपमे में माश की दाल अच्छी लगती है इसलिए थोड़ी ज़्यादा डाल लेना। उसको कलर बदलने तक तल लेना। थोड़ा कलर बदल गया। अब इसको रवे पे निकाल लेंगे। इसमें पानी नहीं डाल लेना, पानी डाले तो गलती ही नहीं। जब उपमा हम खाते ना थोड़ा क्रंच करना इसमें। अब इसको निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। जीरा डाल ली, राया, और उसमें थोड़ी सी लहसुन। लहसुन को थोड़ा मोटा कूट के डाल लेना। अब इसमें प्याज डाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, अब इसमें टमाटर डाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। पानी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। इतना रवा है ना, डबल पानी डाल लेना। एक कप रवा तो दो कप पानी डाल लेना। अगर आपको और भी नरम होना है तो तीन कप डाल लेना। इसमें नमक डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना रवा है उससे डबल पानी डाल लेना, खुला हो जाता है। मैं अंदाजे पे डाल ली। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब उबाल आ गया, इसमें रवा डाल लेंगे। रवे में मैं दाल जो तली थी दाल डाल ली और कोथिंबीर उस पर रख ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस पर इसको दम लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट के वास्ते दम पे छोड़ देंगे इसको। एक मिनट हो गया, आप देख लेंगे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए दम भी हो गई। अब इसको निकाल लेंगे। इस तरह खुली बना लेना, मुद्दे नहीं बना लेना। देखो खुली खुली बना लेना। नाश्ते में उपमा बहुत अच्छा टेस्टी होता है और आसानी जल्दी से भी बन जाता और बच्चों को भी पसंद आता है। ये जी तैयार है नाश्ते के लिए उपमा। बनाइए, खाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।